नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने आईपीएल 2020 का इंतजार कर रहे फैंस को बड़ी अपडेट दी है। एक बातचीत के दौरान सौरव ने कहा कि देश को इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत तक कोविड-19 से जूझना है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में इस साल आईपीएल का आयोजन हो पाना संभव नहीं है। सौरव हाल ही में टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल के साथ चर्चा में शामिल हुए थे। इस चर्चा के दौरान उनसे पूछा गया कि भारत में कोविड-19 के हालात के बारे में उनकी क्या राय है। इस पर गांगुली ने कहा, मैं सोचता हूं कि अगले 2-3-4 महीने थोड़े मुश्किल होंगे, हमें इसे झेलना होगा और शायद इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। दादा ओपन्स विद मयंक नाम के चैट शो पर बात करते हुए गांगुली ने कहा, मैं वैक्सीन आने का इंतजार करूंगा, तब तक हाँ हमें थोड़ी ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी, हमें पता है कि क्या हो रहा है और हम बीमार नहीं होना चाहते। लार का इस्तेमाल एक समस्या है, शायद एक बार वैक्सीन के आने के बाद बाकी बीमारियों की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। आईपीएल 2020 की बात करें तो बीसीसीआई इसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कराने का सोच रही है। बोर्ड की पहली प्राथमिकता तो इसे देश में ही कराने की है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। भारत अब अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। इस बीच सोमवार को श्रीलंका और यूएई के बाद न्यूजीलैंड ने भी आईपीएल 2020 को होस्ट करने का ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर आईपीएल 2020 विदेश में कराया गया तो यूएई पहली पसंद हो सकता है। बाकी दोनों ऑप्शन देखें तो जहां इस मामले में श्रीलंका सस्ता ऑप्शन है, वहीं न्यूजीलैंड जाना बीसीसीआई के लिए आसान नहीं होगा। भारत और न्यूजीलैंड के समय में 6.5 घंटे का अंतर भी है। ऐसे में मैच वहां दोपहर 12:30 बजे शुरू कराया जाए, तब जाकर कहीं यहां 8 बजे का स्लॉट मिल पाएगा। ऐसे में डबल हेडर के लिए सुबह सुबह मैच शुरू करने हो। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉक। दी ललन टॉक मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉक ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।